गया 17 अक्टूबर, बिहार में शराब पीते पकड़े गए और फाइन जमा कर जो लोग छूटे हैं उनके घर पर पोस्टर चिपकाया जाएगा, साथ ही दूसरी बार शराब पीते पकड़े जाने पर 1 वर्ष की सजा होगी। उक्त बातें गया जिला के उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त प्रेम प्रकाश ने कहा। उन्होंने कहा कि पोस्टर लगाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इससे लोग जागरूक होंगे और ये भी जानकारी होगी कि दूसरी बार शराब पिए हुए अवस्था में पकड़े जाने पर 1 वर्ष की कारावास की सजा होगी। उन्होंने यह भी कहा कि जब से पीने वालों से कोर्ट द्वारा फाइन लेकर छोड़ने का नियम आया है, अर्थात अप्रैल माह से अब तक जिला पुलिस एवं उत्पाद विभाग द्वारा कुल 3,825 लोग गया जिले में पकड़े गए हैं, जिसमें पीने वाले 2,568 और बेचने या बनाने वाले 1,257 लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अलग अलग 5 टीम बनाकर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में छापामारी की जा रही है, जिसमें 14 अक्टूबर को विशेष छापामारी अभियान में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है। इसके साथ साथ 101 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें पीने वाले 70, बेचने वाले 31 हैं। गिरफ्तार लोगों में 14 महिलाएं भी शामिल हैं। बताया जाता है कि वो अभी अप्रैल से माननीय मुख्यमंत्री का जो ये नया नियम हुआ है कि पीने वाले को फाइन करके छोड़ा जाए, तो अब तक कितने लोग पकड़े गए हैं? गया जिले में उत्पाद विभाग और पुलिस विभाग मिलाकर अप्रैल माह से अब तक टोटल 3,825 लोग की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें पीने वाला 2,568 और बेचने या बनाने वाले 1,257। लगभग अभी जो चल रहा है फाइन का सिस्टम, प्रारंभिक में स्तर पर कितना फाइन किया जा रहा है? नए नियम के अनुसार पहली बार पीने पर कोर्ट द्वारा उसे 2,000 से 5,000 के बीच में जो उचित समझे फाइन किया जा रहा है, और हम लोग के विभाग द्वारा एक नया मुहिम भी चलाया गया है कि जो पहली बार पीते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके घर पे जाकर अवेयरनेस फैलाने का काम, कहने का मतलब कि पहले आप पी चुके हैं, दोबारा अगर आप पीते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको 1 वर्ष की सज़ा हो सकती है, इसकी जानकारी देना भी, और साथ साथ आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का भी मुहिम हम लोग चला रहे हैं। ये जो पोस्टर का जैसा नया नियम आया कि जो शराब पीते हुए पकड़ा गया है, अगर फाइन हुआ है उसके घर पर पोस्टर लगाया गया, ये क्या नियम? हाँ, इसी के बारे में अभी मैंने बताया कि जो एक बार पहले पकड़े जा चुके हैं तो अवेयरनेस फैलाने का, मतलब उनको भी जानकारी नहीं है कि दोबारा पकड़े जाने पर 1 साल की सज़ा हो सकती है, इस माध्यम से उनको भी जानकारी देना और ये जांच करना, क्योंकि वो जब कोर्ट से छूटते हैं तो उस समय एक शपथ पत्र देते हैं कि मैं दोबारा शराब का सेवन नहीं करूंगा। तो जिसके घर पे जाके हम लोग पोस्टर चिपका रहे हैं, साथ में ब्रेथ एनालाइजर मशीन भी रहता है, और पुनः दोबारा उसकी जांच की जाती है, अगर दोबारा पिए हुए मिल जाएंगे तो फिर उन्हें पकड़ कर गिरफ्तार करके लाएँगे और उन्हें 1 वर्ष की सज़ा होगी। इसके साथ साथ और जो अगल बगल के घर हैं, गाँव हैं, सबको ये जानकारी हो जाए कि दोबारा पीने पे 1 साल की सज़ा है। पर्चे बताइए। हाँ, प्रेम प्रकाश, सहायक आयुक्त उत्पाद, गया।